10,000 मराठा सैनिकों की सेना को 200 लोगों की रीवा की सेना ने पराजित कर दिया था। ये युद्ध हुआ था नैकहाई में। उसी याद को सजोने के लिए 8 फरवरी को यहाँ पर नैकहाई युद्ध की याद में कीर्ति स्तंभ बनाने का इंतजाम किया है रीवा के कुछ सामाजिक संगठनों ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा राज का सबसे बड़ा युद्ध नैकहाई के मैदान में लड़ा गया था। एक तरफ मराठों की 10,000 की सेना थी, दूसरे तरफ रीवा के 200 सैनिक थे जिन्होंने मराठों की 10,000 की सेना को पराजित कर दिया था। उन्हीं की याद में 8 फरवरी को 2 करोड़ की लागत से नैकहाई के मैदान को शौर्य मैदान में बदलने की तैयारी हो रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। आज बात नैकहाई युद्ध की होगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा के 200 वीर शहीदों ने 10,000 की सेना को हराया था, वो इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है। 8 तारीख को उसी जगह पे कायाकल्प होने जा रहा है, उन यादों को सजोने जा रहे हैं। हमारे साथ लाल बहादुर सिंह जी हैं, पूर्व जनपद अध्यक्ष, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम नैकहाई का युद्ध जिस जगह पर हुआ था उसको नए सिरे से डेवलप करेंगे। क्या है प्लानिंग? धन्यवाद आपको। और 8 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2022 से हम लोगों ने शुरुआत किया था उस कार्यक्रम का, और 8 फरवरी 2023 को माननीय हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उस नैकहाई युद्ध क्षेत्र में का भूमि पूजन करेंगे, जहां बाउंड्री वॉल, गेट, संग्रहालय और तीर्थ स्तंभ का भूमि पूजन होगा। और ये लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है ये पूरा, ये जिससे ये इतिहास हमारा अखंड है और लोगों को आने वाले समय में प्रेरणा देता रहे कि जब कभी भी कोई आक्रमण हो, आतंकवादी हमला करे, तो हम अपनी रक्षा, राज्य की रक्षा, देश की रक्षा कर सकें, ऐसी प्रेरणा देने वाला स्थान वो बने। ये हम लोग करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, लगभग 202 करोड़ रुपए की व्यवस्था के इंतजाम से उस जगह का आप कायाकल्प करेंगे। कायाकल्प में जैसे आपने कीर्ति स्तंभ बताया, क्या कोई म्यूजियम या इस टाइप की कोई भी यादों को सजोने की जगह? नहीं, वो यादों को सजोने के लिए उनका खुद का इतना बड़ा कीर्ति है, और पहले से भी कीर्ति स्तंभ जो उस समय के युग था, छतुरियां बहुत बनी हुई है। और इतना ही नहीं, आप देखें कि पूरा जो हम 1703 में घिले रहे बुंदेला युद्ध, जिसमें खाली 42 लोग थे, जिसमें 200 घुड़सवार शत्रु थे, योद्धा थे, लेकिन कोई हमलावर हम लोग नहीं थे। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, राज सुरक्षा के लिए वो हमलावर थे, हम सत्य के पथ पर थे, इसलिए जीते। रीवा राज कभी भी हमलावर नहीं हुआ, रीवा राजा ने किसी पर हमला नहीं किया। आज कीर्ति स्तंभ बनाने जा रहे हैं आप, नैकहाई युद्ध की बातचीत हो रही है, 8 फरवरी को आप उसका भूमि पूजन करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गई ये काम करने? अवश्य, हम 400 वर्ष पीछे हो रहे हैं। आज ये तो हिंदुस्तान के, हमारे देश के पर्यटक स्थल में होना चाहिए, वीर स्थल में होना चाहिए, जिससे आप महाराणा प्रताप के गिनते हैं, इनका गिनते अनेक सारी चीज आती है, उस स्थान में पूजा जाना चाहिए। और ये तो वीरों का हमारा तीर्थ है, आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के बलिदानियों ने, वीरों ने तो सर चढ़ाया है, प्राण का त्याग उत्सर्ग किया है, ये ठीक गर्व गाथा। और 16 वर्ष से लेके 19 वर्ष से ले, जिस दिन अभिमन्यु ने युद्ध किया महाभारत में, वो ऐसी स्थिति यह थी और हालत यही थी कि रावण रथी वीरा से रख वीरा 200 सैनिक, 10,000 हमलावर, 1,000 बुंदेला, 2,400 कसूली छत्री, ऐसे ऐसे समय में इन्होंने भी, जो आप जाए देखें किला के अंदर मरदा साहेब बाबा की छत्री बनी है, जो एक दिन पहले विवाह करके लौटे थे, जामा जोरा ही पहने हुए थे, उसके ऊपर जीरा बख्तर टोपा और ये दस्ताना लगा के आए घोड़े में और बलिदान हुए। वो मरदा साहब छत्री खाली उनकी बलिदान की नहीं है,
उस सपत्नी युद्ध किया उन्होंने, उनकी नव विवाह था कि वहां पर सती हुई और महाराजा समाने तक वहां पूजा होता था। महामृत्युंजय भगवान की पूजा के बाद वहां महाराजा रघुराज सिंह जी वहां पर पूजा किया करते थे, दीपावली दीपदान होता था। और राज समय के साथ ये बात खत्म हो गई, आज केवल मैं कहाई की बात। 8 तारीख के लिए क्या है रीवा की जनता को संदेश? रीवा की जनता को संदेश ये है कि जिन लोगों ने, जिनको इस बात की का पता है, जो लोग आप सब लोगों के माध्यम से सुन और देख जान रहे हैं, वो जिनके अंदर अपने पूर्वजों के वीर गाथा का थौ भी लहू रंगों में बह रहा है, वो उस दिन पधारे और उस अपने गांव, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बलिदान हुए, बहुत लोग निशक्त घायल थे, बहुत लोग ज्यादा घायल थे, बहुत लोग कम घायल थे, बच के निकल गए, लेकिन कहीं गांव में जाके दूर दूर जाके उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो वहां की पवित्र मिट्टी लाए उनके वंशज, वहां का पवित्र नदी का सरोवर का कुएं का जल, पवित्र जल हो वो लाए और आज जाके बरसर के हिस्सा लें। और वहां उस दिन हमारे मंत्री जी माननीय 8 तारीख को आप लोग मैं कहाई के जिस जगह पर ये युद्ध हुआ था वहां पर शौर्य चक्र शौर्य स्तंभ बनाने जा रहे हैं आप लोग। रीवा की जनता जो भी जिस परिवार का अगर उसने युद्ध में भाग लिया था, आपका साफ तौर से कहना वहां पर पहुंचे, अपनी मिट्टी लाएं, अपने इलाके का जल लाएं और वहां पर अर्पण करें, हम सबका स्वागत करेंगे। ये कुछ कहना था लाल बहादुर सिंह का। हमारी नजर 8 तारीख पर भी बनी रहेगी, 8 तारीख को जो भी होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।